ओम शांति। आज की मुरली है 17 दिसंबर 2020। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। हमारी चलन रॉयल होनी चाहिए क्योंकि हमारे पढ़ाने वाला ऊंचे तो ऊंचे बाप है, परमात्मा है, तो हमारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते? ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते? उत्तर है, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया का विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा, इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो, जीते जी देख अभान छोड़, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है, ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। दूसरा, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है कि हम रजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं या पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। वरदान, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्वात्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना, यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल सदा महादानी रहेंगे, हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे, मैं अपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवादारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्लोगन, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। अच्छा, ओम शांति।